जय हिंद दोस्तों। आज 27 फरवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, एयरफोर्स ने पूर्व सैनिक की बचाई जान, हो रही जबरदस्त तारीफ। सिपाही हवलदार ग्रेड की पेंशन 21,885 न होने पर पीसीडीए ने रिकॉर्ड को लगाई है फटकार, इस पर बात करेंगे। एपीएस आत्महत्या मामला, लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ पर बड़े आरोप लगे हैं और नए खुलासे भी हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इस कोर के हवलदारों की 80,000 का एरियर मिलेगा, अपना नाम चेक करें कौन सा कोर है, उसका भी बात करेंगे। और बता दें कि कल 28 फरवरी को पूर्व सैनिकों को की ओपन भर्ती है बिना परीक्षा, अग्निवीर योजना वापस होगी और एमएसपी दिलाएंगे, राहुल गांधी ने कहा है, इस पर बात करेंगे। रेलवे गेटमैन में जेसीओओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं, अच्छी खबर है, भारतीय वायुसेना ने एक जो पूर्व सैनिक है उसकी जान बचाई है। बता दें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एक पूर्व सैनिक की जान लीवर की वजह से उसको खतरा था और बता दें लीवर ट्रांसप्लांट करा के उसकी जान बचाई गई है। ट्रांसप्लांट के लिए ये लीवर 1400 किलोमीटर की दूरी से पुणे से इंडियन एयरफोर्स ने विमान में लाए थे और बता दें परेशानी चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, इंडियन एयरफोर्स हमेशा देशवासियों के साथ खड़ी है, हर मुमकिन कोशिश करके मुश्किलों को चुटकी में खत्म कर देती है। बता दें कि आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में एक पूर्व सैनिक, वहां पर उसको लीवर की जरूरत थी और ये लीवर मिला 1400 किलोमीटर दूर पुणे में और वहां से एयरफोर्स को शॉर्ट नोटिस पर यह जानकारी दी गई कि वहां से लीवर लाना है और उसके बाद बहुत ही कम समय में एयरफोर्स ने यह काम किया और उसकी जान बची, तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है एयरफोर्स के लिए। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पीसीडीए ने फटकार लगाई है रिकॉर्ड को और क्या फटकार लगाई है बता दें, सिपाही रैंक एसीपी 2 हवलदार ग्रेड की पेंशन 21,885 मिनिमम ना करने पर फटकार लगी है। बता दें इन्होंने ग्रीवेंस डाली थी जिसके बाद इनकी पेंशन भी संशोधित ना होने के बाद पीसीडीए ने ये लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा है रिकॉर्ड ऑफिस जैक राइफल के जेएंडके राइफल को और जबलपुर को ये लेटर लिखा गया। इसमें कहा गया है रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन एज पर सिपाही एसीपी 2 हवलदार ग्रेड, तो इनके जो इनको पेंशन मिलनी थी हवलदार ग्रेड की, इन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी, वो पेंशन ना मिलने की वजह से इनको अब जो इनके रिकॉर्ड को है फटकार लगाई गई है, क्योंकि पीसीडीए की तरफ से पेंशन तभी दी जाती है जब रिकॉर्ड उस पर कार्रवाई करता है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, कल एक मामला आपको सोशल मीडिया में देखा था कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में एक 10वीं क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और वो मामला जो था सुसाइड का, वो उसमें प्रिंसिपल जो थी, बता दें प्रिंसिपल एक लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ हैं और उन्होंने उस लड़के को, उससे एक चेयर टूट गई थी और चेयर टूटने के मामले में ये कहा कि चेयर के भारी भरकम जुर्माना लगाया गया उस लड़के को और लड़का वो घर में ना बताकर, लड़के ने उसको एडमिट कार्ड मिलना था 10वीं की परीक्षा देने के लिए और लड़के को एडमिट कार्ड ना दिया गया वो जो प्रिंसिपल थी उनकी तरफ से, जब एडमिट कार्ड नहीं मिला उसके बाद उस लड़के ने छत से लटक कर फांसी लगा ली है। और बता दें जो इसमें मेन बात ये आई है कि जो वो मैडम है वो जो लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ है और बता दें 16 साल से वो इसी में प्रिंसिपल हैं और उनके जो मामला है ये आर्मी पब्लिक स्कूल का है और बता दें काफी दिनों से ये मामला चल रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। बता दें जांच में उनके घर वालों का कहना है जांच में अनदेखी की जा रही है, प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ ही क्यों ना हो। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, इसमें जो 16 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या की है उसमें बता दें ये एपीएस शंकर विहार के प्रिंसिपल के खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, विरोध प्रदर्शन करने में वहां पर नारे लगाए गए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए प्रिंसिपल के खिलाफ, क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर की वाइफ है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई धीमी हो रही है और नहीं की जा रही है।
हालांकि आर्मी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस पर सख्त कार्रवाई होगी, अगर कोई जांच में दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, एक लेटर जारी हुआ था कुछ दिन पहले 2023 का, और बता दें इसमें कई पेंशनर्स को एरियर देने के लिए कहा गया था, उनकी पेंशन जो है बेसिक पेंशन फिक्स की गई थी और ये रैंक थे हवलदार रैंक, ये ईएमई का मामला था। और बता दें इशू ऑफ करेंडर एलपीसी कम डाटा सीट फॉर अपलोडिंग इन स्पर्स, तो ईएमई पर्सन के कई पेंशनर्स थे जिनको बेसिक में सुधार हुआ था, और बेसिक आप देख सकते हैं बेसिक पेंशन अलग अलग सभी पेंशनर्स की 44,900 रुपए की गई, किसी की 43,600 से 44,900 रुपए, और 43,000 से देख सकते हैं कि सबकी ये चेंज की गई थी। जिनकी पेंशन चेक की चेंज की गई थी उनके नाम ये दिए हुए हैं, अगर आपका नाम इसमें है तो आपको भी कार्रवाई करनी होगी अगर आपको इसकी पेंशन में संशोधित होकर एरियर नहीं मिला है, क्योंकि ये एरियर 70,000 से 80,000 एरियर बनता है जो भी ये पेंशनर्स हैं, तो जरूर इस पर कार्रवाई करें। आप लेटर लिखें, सीपी ग्राम में कंप्लेन करें, आपको एरियर जरूर मिलेगा, क्योंकि एक जो पेंशनर्स हैं उनका रिवाइज हुआ है बेसिक पे, और यही मामला था हवलदार रोहित कुमार हैं जिनको पेंशन में संशोधित हुआ है। और बता दें जिसको एरियर मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो वो कर ले, क्योंकि ये ईएमई के पर्सन जितने भी हैं इन जिनका नाम इसमें है तो उनमें इस ऐसे संशोधन होना जरूरी है। 4 अक्टूबर 2023 का ये लेटर देख सकते हैं आप, तो पुराना है लेकिन अभी तक कई लोगों को पेंशन नहीं मिली है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, अग्निवीर योजना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आते ही अग्निवीर योजना को विथड्रॉल कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कमांडर जो आर्मी आर्मी के हैं उन्होंने जो रिटायर हुए हैं उन्होंने कहा है कि आर्मी में एयरफोर्स में और नेवी में अग्निवीर योजना शॉकिंग थी, अचानक लाई गई एक योजना थी। बता दें नरवणे साहब ने ऐसा बयान दिया था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें ये कहा है कि हमारी सरकार आई तो अग्निवीर योजना को विथड्रॉल कर लिया जाएगा, पुराना सिस्टम फिर से लागू होगा, और जो रिटर्न एग्जाम थे 2,000-2,00,000 जो अग्निवीर में उनको कन्वर्ट किया गया है उनका रिटर्न एग्जाम का टेस्ट जो हुआ था उनकी भर्ती कराई जाए, क्योंकि वो 2,00,000 का भविष्य चौपट किया है मोदी सरकार ने। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी कही गई है कि सरकार बनी तो ये योजना बंद की जाएगी, और बता दें इसमें ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 मिनट में MSP लागू करेंगे, राहुल गांधी ने कहा है। बता दें किसानों का आंदोलन भी चल रहा है MSP के लिए, राहुल गांधी ने कहा कि 1 मिनट में हम MSP लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनी। देशभक्त और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की लड़ाई, हम उनके साथ हैं। कड़ी तपस्या के बाद सशस्त्र बलों के चयनित होने भी नियुक्त न किए जाने पर 2,00,000 युवाओं का अग्निवीर योजना के संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा गया है, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें कल जॉब फेयर लगाया जाएगा गुजरात रेलवे गेटमैन कीपर का, गेट कीपर का, और बता दें 28 फरवरी को ये जॉब फेयर है। 300 पूर्व सैनिकों की वैकेंसी है, इसमें जो लोकेशन रहेगा जॉब लोकेशन अहमदाबाद भावनगर राजकोट रेलवे डिवीजन में होगा, और बता दें रेलवे गेट कीपर की जो वैकेंसी है 33,000 सैलरी इसमें रहेगी, सेप 1 एग्जाम्पली करेक्टर के जा सकते हैं, और बता दें ये इसमें वही जा सकते हैं जो योल में भर्ती है, और बता दें हिमाचल प्रदेश के ही इसमें भर्ती देख सकते हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।